फ्रेंड्स, वो डाना का बैरल पॉलिशिंग करने के बाद मैं अभी तक इसका ग्रुपिंग वीडियो नहीं बना पाया। ऐसा नहीं कि मैंने पैलेट चलाया नहीं है, मैंने चलाया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि दो बार मैंने बनाया, किसी ना किसी कारण से वीडियो ठीक से कैप्चर नहीं हुआ। इनफैक्ट कल शाम को जो मैंने बनाया बहुत अच्छा ग्रुपिंग रहा, और अनफॉर्चुनेटली जो कैमरा का फोकस था वो जहाँ पे ग्रुपिंग बन रहा था सिर्फ 2 इंच नीचे था, तो जो बेस्ट ग्रुपिंग मुझसे बना वही कैप्चर नहीं हो पाया। तो आज मैं फिर से वही करने जा रहा हूँ, सारे पैलेट्स का ग्रुपिंग बनाऊंगा डाना आउटलॉ पे आफ्टर बैरल पॉलिशिंग। ये जो पैलेट्स चला रहे हैं ये है QIS के स्ट्रीमलाइन सुपर हेवीज। बेहतरीन बेहतरीन नजदीक से आके देखेंगे। कैसा ग्रुपिंग बना? ये था QIS के 9.65 रेंज के सुपर हेवी। नेक्स्ट है QIS के डोम्ड, ये भी 9.65 है, शेप हल्का सा अलग है। सुपर हेवी थोड़ा से एरोडायनेमिक लगते हैं आगे से, ये थोड़ा सा गोल है शेप में। इसको अगले टारगेट पर देखते हैं। पैलेट्स ठीक नहीं लगे, थोड़ा बड़ा ग्रुपिंग बना। अब है H&M का बैराकूडा 10.65 ग्रेन्स, मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, वो पैच जो स्पॉट था जिसमें एम कर रहा था उड़ गया, तो अब उतना अच्छा ग्रुपिंग नहीं बना पाऊंगा। जिस जगह को रेफरेंस लेके मार रहा था वो मुझे मेमोरी से याद करके मारना पड़ेगा, अंदाज से, तभी कोशिश कर रहा हूँ। ये था
बैराकुडा अब 5-7 पैलेट चलाते हैं। सस्ता जो अपना देसी पैलेट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है 20 मीटर 25 मीटर के रेंज के अंदर तक स्प्रिंग में एक डॉट साइड थोड़ा सा राइट लग रहा है परफेक्ट। राइट हैंड साइड में विंडेज वाला जो डॉट है और जो क्रॉस हेयर है दोनों के बीच में हम रखे हैं होल और दूसरा सेम होल पे चला गया। मैं बिलीव नहीं कर सकता डाना इतना एक्यूरेट शूट कर रहा है। ब्यूटिफुल। ये 6 पैलेट थे प्रेसी होल के।